अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD अली। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लांट ओरिजिन ड्रग्स में हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक नई यूनानी दवा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हबुलास के बारे में। हबुलास का बॉटनिकल नेम होता है मिल्टस कम्युनिस। हबुलास को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको आस भी कहा जाता है सिर्फ, इसे तुख्मे मूरत भी कहा जाता है और इसे हबुलास भी हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मिल्टल फ्रूट कहा जाता है। आइए इसकी माहियत की बात करते हैं। हबुलास क्या है? हबुलास दरअसल एक पौधे का फल होता है जो कि काली मिर्च से के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, अंगूर जो छोटा अंगूर होता है उसके साइज़ से थोड़ा सा छोटा होता है। ये जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, नीचे वाली तस्वीर में देखिए, जब ये कच्चा होता है, पका नहीं होता, तो ये सबसे माइल ग्रीनिश होता है ये फल, लेकिन पकने के बाद ये स्याही माइल हो जाता है। और इस फल के अंदर छोटे छोटे तुख्म भी पाए जाते हैं जिनका मज़ा शीरी हल्का सा तल्ख होता है। इन्हीं फलों को हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को हम तुख्मे मूरत या हबुलास के नाम से दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये खुश्क होने पर ये कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे साइड में आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। अगर आप मार्केट से हबुलास ख़रीदने जाएंगे तो आपको हबुलास इसी फॉर्म में मिलेगा। सूखा हुआ ये कुछ काले मिर्च की तरह लगता है देखने में, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ये। इसके अंदर तुख्म भी मिलेंगे आपको। इस पूरे फल को ही हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कभी इसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसके हम फल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बरगे मूरत के नाम से इसके पत्ते भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्तों में ख़ास किस्म की स्मेल भी पाई जाती है। और इसके पौधे की पैदाइश की बात करें तो इसके पौधों की काश्त की जाती है देहरादून में। ये कुदरत के तौर पे कहीं नहीं पाए जाते, बल्कि देहरादून में इसकी लार्ज स्केल पे काश्त करते हैं। और ये कुछ दूसरी कंट्रीज़ में भी पाया जाता है, जैसे ये यूरोप में पाया जाता है और अमेरिका में भी, इस जो गर्म इलाके होते हैं अमेरिका के, वहाँ पर ये पाया जाता है। हबुलास के मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज वेट एंड ड्राई यानी सर्द खुश्क होता है। ये सर्द होता है पहले दर्जे में और ये खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। हबुलास के अफाल की बात करें तो ये हाबिसुद दम होता है, यानी कि ये खून के बहाव को रोकता है। कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो इस ब्लीडिंग को ये रोकता है, हीमोस्टैटिक होता है ये। इसका सेकेंड एक्शन है ये काबिस होता है, एस्ट्रिंजेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। और थर्ड है ये मुसक्किन मुखामिल, यानी कि लोकली इसका कहीं जल जाता है बॉडी पे, हिरख सिल्क हो जाता है या कुछ और तकलीफ़ होती है, तो इसका पत्तियों का ख़ास तौर पे जमात बनाकर हम लगाते हैं तो ये लोकली उस जगह पर ये तस्कीन देता है, आराम पहुँचाता है। इस्तेमाल की बात की जाए तो हम इसको हाबिसुद दम, हीमोस्टैटिक होता है तो हम इसको बौलुद दम में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, हेमेचूरिया में, यानी पेशाब के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो ये उसको रोकता है। और हिल्क व सिल्क में, जैसा कि हमने बताया मुसक्किन मुकामी है, इसलिए कहीं बॉडी में बर्न या स्काल्ड की कंडीशन हो जाती है तो इसके बर्ग का या इसके तुख्म का हम पेस्ट बना के जमात के तौर पे हम इसे लोकली लगाते हैं, तो उसमें जो जलन होती है जलने के बाद जो उसमें दर्द महसूस होता है, ये उसमें काफ़ी हद तक तस्कीन पहुँचाता है। और खरो, जैसा कि कोई ज़ख्म होता है तो उस ज़ख्म पर भी हम इसको लगा सकते हैं, तो ये वहाँ पर भी दर्द में आराम दिलाता है। इसको ख़ास तौर पे इस हाल में जो बच्चों के लूज मोशन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बार बार लूज मोशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको कई तरह से हम इस्तेमाल करा सकते हैं हबुलास को। इसका हम सफ़ूब भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं, या इसका जो शांदा भी बना के बच्चों को खिलाया जा सकता है। और कसरत तम्स में, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, तो ये एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है।
और इसी तरह हम इसको सुलसुल बॉल में, सुलसुल बॉल यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मरीज को एहसास नहीं होता, खतरा खतरा अगर यूरिन ड्रिबलिंग होती रहती है तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि इसका हाबिस काबिज़ एक्शन है तो ये अपने हाबिस काबिज़ इसका मिजाज है तो ये अपने मिजाज की ही वजह से सारे एक्शन अपने अंदर रख रहा है। तो जितने भी जायद रतुबात हैं जो बॉडी से निकल रहे हैं ये उनमें एक हब्स पैदा कर रहा है, उसके ऊपर काबिज़ हो रहा है, उन सबको रोक रहा है। ये मकदार ख़ुराक होती है इसकी 3 से लेकर 5 ग्राम तक हम इसका पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करा सकते हैं। 5 ग्राम का हम एक बार में इसका जो शांदा बनाकर मरीज़ को पिला सकते हैं। तो उसको इन तमाम अवारिजात में जो पीछे हमने पढ़े उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। कीमियावी अज्जा की बात कर लेते हैं तो इसमें रेजिन पाया जाता है, टैनिन होता है, सिट्रिक एसिड होता है और इसमें वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है जिसको मिट्रोल ऑयल कहते हैं। मुज़र असर की बात करें तो इसका एक मुज़र असर ये होता है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मरीज़ को थोड़ा सर में दर्द और थोड़ा हल्का चक्कर हो सकता है और उसे एक बेचैनी का एहसास होता है। थोड़ा मुसले के तौर पर जो हम इसको मरीज़ को खिलाएं तो मुसले के तौर पर बरगद तूत यानी कि जो शहतूत की पत्ती होती है उसको अगर शामिल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और रसफत जो एक गोंद होता है उसको भी इसके साथ शामिल कर लेना चाहिए। मशरूम मुरक्कब, इसके कई सारे मशरूम मुरक्कब आते हैं। इसका एक मशरूम मुरक्कब ये है कि इससे एक माजून बनाया जाता है। माजून मासिकुल बॉल यानी कि यूरिन को रोकने वाला, ये ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है माजून मासिकुल बॉल। जो छोटे बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है और बड़े लोगों में कुछ ऐसा होता है तो उनमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा जवारिश जालिनूस में भी ये डाला जाता है, उसका भी एक अहम जुज़ है हबुलास। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट यूनानी दवा के साथ।